So, hello everyone. Welcome back to our Q&A series with Alumni. So today we have Parth, who is SD at SOPSmart. So he's going to tell about the interview preparation. उन्होंने कैसे preparation किया था SOPSmart के लिए, right? Strategies, how he cracked and got into SOPSmart, right? So इसी से related चीजें आज हमारे live session में होगी. And yeah, this session is going to be in three phases again. इंटरव्यू स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन द इंटरव्यू स्ट्रैटेजीज उसके बाद लास्ट में वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो आप लोग कमेंट्स में ड्रॉप करेंगे सो फील फ्री टू ड्रॉप कमेंट सेक्शन में राइट सो लेट मी जस्ट इनवाइट हिम इन हाय पार्थ हाय हाय हाउ आर यू I'm good. How was your day? It was awesome. Okay. Actually, I asked because it's weekend, right? Saturday. I don't have any plans for this weekend. Okay. No issues. Right? So, before moving forward session mein, can you please introduce a little bit about yourself? So, hey everyone, my name is Parth and currently I'm an SD at SOPSmart. And before this, I was a student at Lovely Professional University from Punjab doing my BTech here. Okay, great. So, Parth, just wanted to know ki how you came to know ki aapko सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है राइट तो थोड़ा स्कूल लाइफ के बारे में बता दीजिए उससे रिलेटेड एंड हाउ कॉलेज में आके कैसे सोचा कि यार इसी में यू नीड टू गो एंड बिल्ड अ करियर इन सॉफ्टवेयर सो व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय कंप्यूटर सो आई हैड अ कंप्यूटर व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड एंड आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ टिंकरिंग विद इट एंड ट्रबल शूटिंग एंड एवरीथिंग एंड that's where my interest grew about computers. So I wanted to explore the domain further. So that is what made me choose the BTech in computer science as a path. Okay. So, Parth, college mein aake, what were your steps in preparation? Like, aap kitna apne coding ko dhyan dete the, aur kitna apne academics par dhyan dete the, right? So if you can share so BTech is of 4 years to pehle ke do saal to 2020 2021 jo hua tha wo to corona ke chakkar mein matlab I was completely oriented towards my academics and not at all interested in coding and everything so us samay khali marks lane ke liye koshish kar raha tha bas aur kuch nahi but uske baad jab third year mein college open hua तो देखा सबको काम सब कोड कर रहे हैं और जो अभी आगे पता चला कि करियर पाथ जो है जो मॉन्स्टार्ट वगैरह जो डेवलपमेंट है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पाथ है उसमें मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं तो उस समय भी मैं सर्टेन नहीं था जब मैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में था तो सर्टेन नहीं था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही चूज़ करनी है या नहीं तो थर्ड ईयर में हमें एक इंजीनियरिंग माइनर चूज़ करना होता है और एक ऑप्शनल माइनर चूज़ करना होता है तो मैंने साइबर सिक्योरिटी चूज़ किया था और डेवऑप्स भी चूज़ किया था आपने बिकॉज मुझे सब में इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी में भी और डेवऑप्स में भी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी तो एट फर्स्ट आई वाज ट्राइंग फॉर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स बट आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्राइंग एंड उस समय मैंने जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो कम जो कॉलेज में आती है उसमें साइबर सिक्योरिटी कंपनीज बहुत कम आती है ज्यादा नहीं आती है फ्रेशर्स के लिए देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ चॉइस सो आइदर दे रिक्वायर एन एक्सपर्ट और दे वांट टू लेट यू इन तो इसके अलावा फिर उसके बाद मैं डेवॉप्स ट्राई किया तो डेवॉप्स में एक दो इंटरव्यूज में बैठा तो उसमें भी नहीं हुआ ट्राई मतलब अच्छे से नहीं था उनको भी दे ऑल्सो रिक्वायर्ड एक्सपर्ट्स कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही कैसा डोमेन मुझे फिर मिला क्योंकि उसमें भी उसमें कंपनीज आ भी रही थी और उसमें मतलब बेस स्किल पे वो ले सकते ले ले रहे थे तो फिर मैंने उसके बाद बीएससी स्टार्ट करी थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में और फिर मैंने कोर्सेज लेना स्टार्ट किया जीएफजी का सेल्फ पेस कोर्स लिया एक साइफर स्कूल्स का एसडी कोर्स लिया और इनसे सीखा बहुत कुछ
बट बस उसके बाद इंटरव्यूज देना स्टार्ट हुए, और इंटरव्यूज हुए उनके कम से कम 5-6 इंटरव्यूज हुए अलग अलग कंपनीज में, फॉर फॉर द रोल ऑफ एसडी। एक थी MIQ, एक थी केडेंस, और इनमें 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 बहुत सारी चीजें पता चली इंटरव्यू से कि क्या क्या रिक्वायर्ड है एज अ स्किल। और उसके बाद इन्होंने फिर जब मेरा जॉब स्मार्ट में हुआ तो मतलब आई वाज नॉट श्योर कि इस कंपनी में होगा या नहीं होगा, बट हो गया। एक्चुअली मेरे तीन तीन वो चल रहे थे कंपनीज के, एक एबी इनबेव थी, एक जॉब स्मार्ट थी और एक सॉल्व करके थी। तो इसका रिजल्ट सबसे पहले आ गया, तो आई डिड नॉट ट्राई अबाउट ट्राई फॉर द अदर रोल्स, बिकॉज एबी इनबेव का डेटा एनालिस्ट का था रोल और सॉल्व का भी सेम बैलेंस था। आपने अभी कॉन्वर्सेशन में बीच में बोला कि आपने डीएससी की प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी, राइट? सो डीएससी में आपने ऐसे कौन से टॉपिक्स थे, या फिर मेनली आपने किस चीज पे फोकस किया था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डीएससी? अगर 10 10 से 12 लाख की कंपनी अगर आपको क्रैक करनी है तो एरे स्ट्रिंग लिंक्ड लिस्ट और थोड़ा सा ट्रीज और क्या बोलते हैं स्टैक क्यू, बस ये रिक्वायर्ड है। से बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ, डीपी कोई नहीं पूछता 10 से 12 की रेंज में, बहुत कम पूछते हैं, मतलब पूछते हैं लेकिन बहुत कम कम चीज है, और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वगैरह वो रिक्वायर्ड है बस। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर डीएसए, यू वुड हैव चूज जैसे कि आपने बताया आपने पहले साइबर सिक्योरिटी में किया, उसमें नहीं समझ में आया तो फिर डेवऑप्स में किया। तो जब आपने डीएसए में फोकस किया, राइट, तो उसमें आपने ऐसी कौन सी पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो चूज करी, जिसमें आपने सोचा कि चलो इस पे बेस्ड डीएसए का? तो आई स्टार्टेड विद C++, बट अभी जो कंपनी है उसमें जो काम हो रहा है वो जावा में हो रहा है। तो इट्स डिफरेंट। इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट लैंग्वेज जो यूज होती है वो जावा ही है मोस्टली। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड अगर मुझे स्टार्ट वापस करना होता तो मैं जावा में करता, लेकिन वैसे मैंने C++ में करी C++ में करी थी। थी। सो द सेम लैंग्वेजेस व्हिच यू प्रिपेयर्ड व्हाइल डीएसए का प्रिपरेशन, मतलब आपने जो लैंग्वेज चूज किया था वो आपने अपने रेज्यूमे में भी सेम ही मेंशन किया था? रिज्यूमे में तो सब कुछ मेंशन है, जावा, C++, पाइथन, सब कुछ, बिकॉज करिकुलम में सब कुछ था। 4 इयर्स जो कंप्यूटर साइंस का होता है उसमें सब कुछ सिखाते हैं बेसिक्स, बट डीएसए तो थोड़ा एडवांस हो जाता है ना, लॉजिक बिल्डिंग वगैरह, तो उस मेंशन सब कुछ था रिज्यूमे में। तो आपका रेज्यूमे किस तरह का था, लाइक उसमें क्या क्या चीजें थी जो पर्टिकुलरली आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया फॉर द कंपनी व्हिच यू मेंशन? एक तो उसमें फुल स्टैक प्रोजेक्ट था जो फ्लटर से फ्लटर फ्लटर वेब फ्रेमवर्क से करवा था कराया था एक वो था, और एक डेवॉप्स का प्रोजेक्ट था, CI/CD पाइपलाइन। यू सेड अबाउट डेवऑप्स का। सो यू मेंशन दीस प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे। उसके अलावा स्किल्स आपने जो अभी बताई C++ के अलावा, बाकी और कौन सी स्किल्स आपने मेंशन करी थी, इफ यू आई हैव टू रिमेम्बर? बी आई रिमेम्बर आई थिंक गिट मेंशन किया था, लिनक्स मेंशन किया था, और पाइथन और जावा मेंशन किया था, और ऑपरेटिंग नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं, बस शायद यही था। 1 मिनट में रिज्यूमे चेक करना पड़ेगा, मतलब याद अरे नहीं, याद इट्स नॉट मैंडेटरी, आई एम जस्ट आस्किंग लाइक टू मेक इट क्लियर कि किस टाइप का रेज्यूमे होना चाहिए, राइट? क्योंकि आप जॉब स्मार्ट को इंटरव्यू को क्रैक किए तो जस्ट फॉर दैट नॉलेज पर्पस। आपका रिज्यूमे बिल्डर ही यूज किया था मैंने, अच्छा था वो। सो आपने अभी बताया कि आपने फुल स्टैक एंड डेवऑप्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे रेज्यूमे में, राइट? तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू फॉर द कंपनीज विच यू मेंशन, जिसमें आपका हो गया था प्लेसमेंट, राइट? सो उसमें आपने क्या आपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आपके उसमें पूछे गए थे? नहीं जिनमें रिजेक्ट हुआ उनमें या जिनमें नहीं जिसमें जिसमें आप एक्सेप्ट सिलेक्ट हुआ, हो गए थे। जिसमें सिलेक्ट हुआ था उसमें जो जॉब स्मार्ट है उसमें 4 इंटरव्यू राउंड हुए थे। और फर्स्ट राउंड टेक्निकल था, सेकंड भी टेक्निकल था, थर्ड डायरेक्टर था और फोर्थ एचआर था राउंड। तो फर्स्ट राउंड में एक फ्रंट एंड वाले सर थे एक, और एक और थे लीड नहीं थे वो SD1 थे जाए। तो उन्होंने पहले तो ये पूछा कि मतलब उन्होंने ज्यादा प्राइवेट रिलेटेड नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि आपका मतलब
इंटरेस्ट किस में है, तो मैंने प्रोजेक्ट के हिसाब से बताया। तो उन्होंने फ्रंट एंड वाले जो थे उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, थोड़ा स्टेट मैनेजमेंट वगैरह कैसे होता है ये पूछा, और तो ये बता दिया। उसके बाद उन्होंने एक वो पूछा डेटाबेस में एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि मेथडोलॉजी होती है एसिड एटॉमिसिटी कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी ड्यूरेबिलिटी और बेसिकली मतलब डू आई नीड टू गो इन टू द हाँ डिटेल्स, और एसिड नहीं एसिड बेस नॉट एसिड बेस प्रॉपर्टीज पूछी थी, और कौन सी कब यूज करते हैं, एक कंसिस्टेंसी के लिए यूज करते हैं, कब इम्यूनिटी यूज करते हैं बेसिकली, और एक डीएसए का क्वेश्चन था इजी स्टैक ऑप्टिमल ऑप्टिमल अप्रोच स्टैक से था, उसका क्वेश्चन का नाम था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ओके ओके सो लाइक आपने जो इंटरव्यू का बात किया, तो यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल इंटरव्यू, राइट? टेक्निकल में ये हुआ फर्स्ट था। ये, वाज दिस वाज द फर्स्ट राउंड? ओके, तो इसके अलावा और टेक्निकल राउंड्स हुए थे क्या, या फिर दिस वाज द नहीं, दिस वाज द फर्स्ट टेक्निकल राउंड, देयर वाज आल्सो अ सेकंड टेक्निकल राउंड, एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ ओके थर्ड डायरेक्टर राउंड व्हिच वाज मिक्स सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एंड एचआर, एंड आफ्टर दैट एचआर? देयर वाज अ ओके फोर्थ एचआर आल्सो। सो इन ओके द तो देयर सेकंड वाज फोर। इंटरव्यू इन द सेकंड इंटरव्यू देयर वाज अनदर डीएसए क्वेश्चन। इट वाज आई थिंक अ मीडियम मीडियम और हार्ड एरिड डीएसए क्वेश्चन, एंड इट्स ऑप्टिमल अप्रोच वॉज विद हैशिंग। द क्वेश्चन वॉज मैक्सिमम सब एरे हुज नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस, एंड टाइम ओके okay. कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। There were two approaches. First was a brute force, and then second was the approach with hashing. I was able to tell the approach to the interviewer, but I was not. He didn't ask for the code. He just asked me how hashing works, and he asked about open addressing and collision detection. So these are the topics, and I explained it how hashing works. So after that, I will see you with another call for the third ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस जो आपके टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे गए थे, राइट? सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इन अ मैनर कि इसमें से कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से टेक्निकल राउंड में पूछे गए थे, और जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लाइक नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो अगर इफ यू रिमेम्बर यू कैन शेयर विद मी दोनों नॉर्मली ऑन टॉपिक्स, दैट्स इट, दोनों राउंड में दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों थ्योरी तरीके के। रिलेटेड और डीएसए भी। फर्स्ट राउंड में डीएसए इजी था, सेकंड राउंड में डीएसए थोड़ा मुश्किल हो रहा डीएसए का थोड़ा लेवल बढ़ गया, इंटरमीडिएट टाइप होता है, है। राइट? ओके, सो देयर वाज ओनली क्वेश्चंस रिगार्डिंग डीएसए, और प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे उन्होंने पूछे, लाइक प्रोजेक्ट के बारे में बताओ और नॉट। फर्स्ट वाले में पूछ लिया था कि व्हाट इज सीआईसीडी, सीआईसीडी पाइपलाइन क्या होती है, एंड कैसे किया, क्या 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 टूल्स यूज करे, इसमें क्या होता है जेंकिंग्स, और हाँ वो स्किल्स आप पूछे थे ना जेंकिंग्स, एंसिबल, क्यूबरनेटीज, डॉकर, ये सब लिखा था जेंकिंग्स, प्रोजेक्ट रिलेटेड था सब कुछ। ओके, तो देयर वर क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रोजेक्ट आल्सो, राइट? फर्स्ट फर्स्ट राउंड ओके, सो आपने जैसे कि टेक्निकल इंटरव्यूज के बारे में बताया, तो क्या टेक्निकल इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू से पहले भी, लाइक यू वर सिलेक्टेड इन द कंपनीज विच यू मेंशनड, उसमें क्या सर्टिफिकेट्स मैटर करते हैं? सर्टिफिकेट्स होना मैटर करता है? आपने कितने सर्टिफिकेट्स मेंशन किए थे अपने रेज्यूमे में, इफ यू रिमेम्बर? मैंने ज्यादा मेंशन नहीं किया, मैंने दो सर्टिफिकेट मेंशन किए थे और दोनों अच्छे सर्टिफिकेट्स थे, मतलब एक तो जीएफजी का जो सेल्फ पेस्ट कोर्स होता है डीएसए वाला वो किया था एक, और एक यूडेमी का वेब डेवलपमेंट बूट कैंप किया था इंजीनियर वाला, दो सर्टिफिकेट थे। एक और था शायद प्रोग्रामिंग पाठशाला का फ्लटर सर्टिफिकेट भी था जो जो कॉरेस्पॉन्ड करता, मतलब एक तरीके से आप रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हो उसको बैक कर सकते हो आप। जैसे मेरा प्रोजेक्ट था तो इट वाज बैक्ड बाय द सर्टिफिकेट, और मतलब जो दूसरा प्रोजेक्ट था इट वाज बैक्ड बाय माय स्किल सेट, तो रीइन्फोर्स हो जाता है मतलब एक तरीके से कि सही लिखा है मींस में जो भी इंटरव्यू की है इसमें। ओके, सो यू डिड द सर्टिफिकेशंस, राइट? बट डिड मेंशन? आई डोंट
आई डोंट थिंक इट मैटर्स, बिकॉज जब इंटरव्यूअर आएगा तो आपसे पूछेगा अगर आपने झूठ बोल दिया तो, मतलब कि वो बस यही ऐसे करते हैं कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आपने लिखा है रेज्यूमे में वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, बाकी असेसमेंट क्राइटेरिया तो बाद में आता है। तो अगर उसमें सही लिखा है सब कुछ तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, उसको उनसे आंसर ले लिया तो आपसे लिख जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करती है ऑफकोर्स। ओके, सो कम्युनिकेशन मतलब सॉफ्ट स्किल्स मैटर्स। अब नर्वस हुए थे ड्यूरिंग द इंटरव्यू? क्या नर्वसनेस हुई थी ड्यूरिंग द इंटरव्यूज जब हुआ था टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड? हाँ, मतलब अप्रोच वगैरह, जैसे जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने नहीं करा था उस समय, जो राउंडर मैक्सिमम से ला रहे जिसका सम 0 1 ठीक है, लोग तो नर्वसनेस तो होती है, अप्रोच फाइंड करना होता है, तो बंदा मतलब देख रहा होता है आपको, उसके सामने रहना होता है, तो नर्वसनेस होती है, बट इट्स ओके। मतलब वो सेकेंड राउंड जो था वो गूगल डॉक में हुआ था, तो उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट भी दी थी और उसमें वो बता रहे थे कि अप्रोच बताइए, तोड़ लेते उसका, तो होती है थोड़ी बहुत नर्वसनेस, बट इट्स ओके। मतलब ओके, ऐसा, हाँ ऐसा नहीं कि कुछ मतलब दिक्कत ज्यादा नहीं है, बस उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन। हाँ, अगर अगर आपके टेक्निकल स्किल्स थोड़े से लैकिंग है और कम्युनिकेशन स्किल्स है अच्छे तो दे मेक अप फॉर इट, बट ओके, तो इट्स नॉट दी कम्युनिकेशन अदर वे। स्किल्स मैटर्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। हाँ, इट्स नॉट दी अदर वे अराउंड। अगर आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं बट आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो नो नो यूज। ओके, सो ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू कि आपने प्रैक्टिस और कहाँ कहाँ पे की, कौन से और प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जैसे लीड कोड वगैरह है, उसके क्वेश्चंस क्या आपने सॉल्व किए थे? लीड कोड तो मैंने बहुत कम किया, लीड कोड पे ज्यादा नहीं किया, कोडिंग निंजा जो प्लेटफॉर्म था उस पर गया था स्टार्ट। लीड कोड में तो मेरे 40 क्वेश्चन है वो, शायद उसमें नहीं गया, उसके बिना उसके मतलब क्वेश्चन सेम है, प्लेटफॉर्म अलग है, क्वेश्चन किए थे बट उस प्लेटफॉर्म पे नहीं किए थे, कोडिंग निंजा पे किए थे एक्चुअली। आई वाज फॉलोइंग वो स्ट्राइवर्स की, जो स्ट्राइवर की जो एसडी शीट है ना, A to Z वाली, आई वाज फॉलोइंग ओके, दैट, तो इट हैड लिंक्स कोरिस्पोंडिंग टू कोडिंग निंजा स्टूडियो, कुछ एफिलिएट वगैरह कुछ था, तो मतलब उसी को मैं फॉलो कर रहा था, उसमें सारे लिंक दिख गए थे। तो वही जो मैंने सो बोला आपको कि आरए के क्वेश्चन, स्ट्रिंग के क्वेश्चन, क्यूज, स्टैक क्यू, वो सब करने के बाद मतलब आराम से 10 10 12 रात आराम से हो जाता। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि आपने ऐसे प्रैक्टिस किया था, सो वॉज देयर एनी कंसिस्टेंसी कि नहीं अभी इतना है तो मुझे आज इतना सॉल्व करना है, दूसरे दिन इतना करना है, या फिर एक रात में बैठ के सब कुछ कर लिया दूसरी रात पे? तो कंसिस्टेंसी कैसे रही ड्यूरिंग कोडिंग लास्ट ईयर्स ऑफ कॉलेज, जैसे आपने बताया आपने की है प्रैक्टिस? जब मैंने किया था तो मतलब पहले तो जब स्टार्ट किया था इनिशियली तो एक दिन में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे हो जा रहे थे, बट उसके बाद एक स्किल लेवल मतलब स्टैगनेंट हो जाता है, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि 1 2 2 क्वेश्चन बनाना भी, तो मतलब नए कॉन्सेप्ट जब सीखोगे तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल होता ही है इनिशियली, बट धीरे धीरे वो मतलब पेस बढ़ जाती है। बट बात ये है कि अगर आप एक बना रहे हो क्वेश्चन तो रोज बनाओ एक, मतलब डोंट स्किप अ डे, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा डीएसए के साथ डेवलपमेंट करना, मैंने करी थी बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर डीएसए कर रहे हो तो पूरी डीएसए करना, और डेवलपमेंट कर रहे हो तो पूरी डेवलपमेंट भी, मतलब पूरी तो नहीं, मतलब गेट अ गुड ग्रिप, प्रोजेक्ट वगैरह बना लो, उसके बाद डीएसए वगैरह जंप करना, साथ में करना बहुत दिमाग साथ में को। डीएसए डेवलपमेंट नहीं करना, राइट? यू वांट टू हाँ टेल, यू वांट टेल। ओके, सो पहले आपने नहीं, डीएसए किया, देन यू स्टार्टेड योर डेवलपमेंट, लाइक हाउ यू मैंने साथ डिड में इट? किया, ओके, यू डिड इट, मैंने ओके, साथ आउट द में किया एक्सपीरियंस व्हिच यू हैव, तो उसके बेसिस पे यू आर टेलिंग कि पहले डीएसए कि करो, डोंट देन डू फोकस एनीथिंग, ऑन डेवलपमेंट, राइट? और इधर वे राउंड, पहले डेवलपमेंट कर लो, प्रोजेक्ट बना लो और उसके बाद डीएसए कर लो। बट मोस्टली कंपनीज जो सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल पे आती है, या तो स्टार्टअप अगर आएंगे तो स्टार्टअप लुक एट योर प्रोजेक्ट्स एंड दे आस्क यू इनसाइड एंड आउट कि आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया सब कुछ, और अगर आप बड़ी कंपनी में आ रहे हो तो दे आस्क फॉर डीएसए। तो डिपेंडिंग ऑन विच एवर कंपनी यू आर एमिंग फॉर, चूज योर पाथ, या तो डीएसए या डेवलपमेंट। अगर आपको स्टार्टअप्स में जाना है तो आप डेवलपमेंट की तरफ जाइए, अगर आपको वेल रेप्यूटेड बड़ी कंपनी में जाना है तो आप उसमें जा सकते हैं डीएसए में। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाली डीएसए करा, उनका सिलेक्शन हो गया था, हो जाता है। अच्छा,
जॉब स्मार्ट के अलावा और दूसरी जो कंपनीज आपने बताई थी, राइट, जिसमें आपका प्लेसमेंट हो गया था, उसमें क्या सिमिलर काइंड ऑफ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे या फिर सब में अलग अलग अलग? मेरे को याद है क्योंकि थिएटर का हुआ था, जो थिएटर का एक हुआ था वो डेवऑप्स का था वो रोल, उसमें गेट के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी थी। एट दैट टाइम आई डिडंट हैव मच मच नॉलेज अबाउट इट, तो इसीलिए वो मतलब द इंटरव्यूअर वाज आल्सो फ्रॉम आई थिंक नॉर्थ ईस्ट, तो उनकी क्या बोलते हैं जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी समझ नहीं आ रही थी मुझे, तो उसकी वजह से वो गया। और अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, सॉफ्टवेयर तो एक MIQ कंपनी आई थी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज वाली, तो उन्होंने जो पूछा वो था ऊप्स ऊप्स ज्यादा पूछी मैंने, बहुत ज्यादा। तो ही ऊप्स वाज के कारण। थिंकिंग कि हाँ आई वाज जावा, उनको लग रहा था कि मैंने जावा बहुत पढ़ी है, तो मतलब आई डोंट नो व्हाई। वो उनका होता है इंटरव्यूज का कि जो चीज नहीं पढ़ी उससे ज्यादा चीजें पूछते हैं। तो दे आर मेनली फोकस की अच्छा, एक और एकदम से आई गॉट क्यूरियस एंड गॉट टू नो कि क्या आपने ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आस्क्ड यू कि आपका लैंग्वेज कौन सा है, या फिर दे जस्ट केम एंड आस्क्ड यू रिगार्डिंग द लैंग्वेज विच दे लाइक जावा से रिलेटेड ही पूछना शुरू कर? ऐसा मतलब यूजुअली इंटरव्यू में होता है। MIQ में तो उन्होंने आई डिडंट नो टिल देन कि वो जावा का कंसेप्ट है, वो मुझे बाद इंटरव्यू के बाद में पता चला था। बिकॉज C++ में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो तो ज्यादा मुश्किल है नहीं, उसमें चार चार कंसेप्ट होते हैं और वो मतलब खत्म हो जाती है तरीके से, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट। अगर आप DSA क्वेश्चन करने भी जाओगे तो नहीं होता उसमें इम्प्लीमेंट। जावा में भी आई डोंट नो होता है नहीं होता, क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं करी थी। बट जावा में मोस्टली जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने जाते हो तो आपको बहुत सारे नए कंसेप्ट पता चलते हैं, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सेंटर्ड लैंग्वेज है जावा, तो उसमें बहुत सारी चीजें नई चीजें पता चलती हैं। तो जो कंसेप्ट था एक, उन्होंने ये पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन, और मुझे पता भी नहीं, मुझे मतलब ही नहीं पता था। अगर किसी रैंडम बंदे से पूछूंगा तो उसको भी नहीं पता होगा, बिकॉज बहुत डीप कॉन्सेप्ट है यू आर नॉट एसोसिएशन। टू हाँ, तो उस समय मुझे नहीं पता था। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन था वो, ट्री का फाइंड द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। उसके बाद वो भी नहीं हुआ मेरे से, उस समय मैंने ट्रीज नहीं पढ़े थे, तो उसके वजह से मैं रिएक्ट हो गया बस उसमें। बाकी एक हाइपरवर्ड करके कंपनी थी, उसका भी हुआ था, उसमें एक इंडियन टास्क मच, उसने पूछा API क्या होता है, तो बता दिया API क्या होता है। और उन्होंने पूछा था प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में थोड़ा, फ्लटर का जो फाइनेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन था उसके बारे में पूछा था थोड़ा। और उसके बाद उनका रिवर्ट बैक नहीं आया, मतलब रिवर्ट नहीं आया बस। और उसके बाद तीन प्रोसीजर चल रहे थे, AB InBev, सॉल्व और वाउ स्मार्ट। तो AB InBev का प्रोसेस पूरा हो गया था, बट उनको रिक्वायरमेंट डेटा साइंस के स्टूडेंट्स की थी, तो फिर उसमें मेरा नहीं हुआ। और सॉल्व का जो इंटरव्यू था वो उस दिन था जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, जब मैं यहाँ आ रहा था वाउ स्मार्ट में, तो मैंने नहीं दिया वो। मतलब उन्होंने मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल करवाया था एक बार ही, तो फिर मैंने जॉफ्रा के ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। तो जॉब स्मार्ट में जैसे आपने बताया, तो आई आज की लाइक जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे कि जावा रिलेटेड अब पूरा आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो जॉब स्मार्ट में एंटर होने से पहले तो आप टेक्निकल राउंड्स के थ्रू गो थ्रू कर रहे थे, तो उसमें क्या आपने C++ रिलेटेड कंसेप्ट रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे या फिर उसमें भी जावा रिलेटेड पूछा गया था? मैंने आपको भी बताया ना, वो जो MIQ था उसमें जो एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन था वो जावा का ही डीप कॉन्सेप्ट है उसका, और वो C++ से रिलेटेड बिल्कुल नहीं था। नहीं है। हाँ, तो मतलब दे आस्क जनरली कि मतलब पता होगा बट नहीं पता था उस समय, तो मुझे अब C++ की और उसकी खाली चार ही कॉन्सेप्ट होते हैं जो मोस्टली लोगों को पता होता है, बट वो और ज्यादा कॉन्सेप्ट थे तो जावा के। या आई गेस माई क्वेश्चंस आर ओवर, जो मुझे आपके साथ लाइक जानना था अबाउट इंटरव्यू एंड प्रिपरेशन वाला थिंग, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ क्वेश्चंस आर देयर विच आर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस वांट टू नो फ्रॉम यू, राइट? सो एक मिनट में डिस्प्ले करवाती हूँ। ओके,
संस्कार इज हेयर एंड ही इज आस्किंग हाउ मच TSA इज इनफ. How much DC is enough? It depends on which company you are targeting. If you are targeting the FAANG companies or Google or and everything is important, then you'll have to even learn about segment trees because उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. बट अगर आपको अभी अभी के टाइम पे तो आई डोंट थिंक कि मतलब ज्यादा यू कैन एम वेयर एवर यू वांट, बट अगर टू बी रियलिस्टिक अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि RAs और Springs और लिंक्ड लिस्ट और स्टैक क्यू, और जो मैंने बताया था अरे जिससे मेरा हुआ था, और अरे स्टैक क्यू लिंक्ड लिस्ट स्ट्रिंग और बस ना उसी और से कुछ नहीं. रिलेटेड. हाँ उसके अलावा ट्रीज के बेसिक्स अगर कर लो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिक्वायर्ड तो नहीं होता, पूछती है वैसे मतलब हाँ थोड़ी बहुत, बाकी सब लिंक्ड लिस्ट वगैरह की पूछते हैं अगर हार्डवेयर पूछना हो तो. अगर 10 से 12 लाख अगर आप एम कर रहे हो तो, अगर उससे ऊपर एम कर रहे हो तो आपको ट्रीज करना पड़ेगा, अगर उससे भी ऊपर एम कर रहे हो तो आपको ग्राफ करना पड़ेगा, और उससे भी ऊपर एम कर रहे हो तो आपको डिग्री करना पड़ेगा बस, और अगर उससे भी ऊपर कर रहे हो तो आपको सेगमेंट ट्रीज करना पड़ेगा बस. यही है. हेलो हेलो. हेलो. हाय, आई एम सो सॉरी, आई गेस कुछ नेटवर्क इंटरप्शन आ गया था, राइट? एम आई ऑडिबल नाउ? यस या यू वर टेलिंग अबाउट ट्रीज वगैरह के बारे में, लिंक्ड लिस्ट रिलेटेड चीजें. हाँ, मतलब अगर आप ज्यादा हाई एम कर रहे हो तो आपको ट्रीज ग्राफ डीपी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मतलब चाहते तो सब है हो नहीं पाता है. तो अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलने की DSA आपको मिनिमम तो नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा होती है वो भी, बहुत बड़ी अच्छी एल्गोरिथम है मतलब आने के भी हार्ड है, तो है तो अच्छे लेवल की DSA है, 30 तक ओके, ठीक है. हाँ एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? आई गेस देयर सम नेटवर्क इशू. जैसे ओके, सो आई गॉट टू नो जो आपने एक्सप्लेन. आई गेस संस्कार को समझ में आया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही कैन प्रिफर डूइंग जो आपने किया, सिमिलर क्वेश्चंस, राइट? आई होप संस्कार गॉट हिज आंसर. तो देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अनुराग. योर एडवाइस ऑन व्हाट डेवलपमेंट सब्जेक्ट शुड अ स्टूडेंट पिक, ML, फुल स्टैक, मर्न, एक्सेट्रा, और डेटा साइंस और एंड्रॉइड? अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप वो करना चाहते हैं तो वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, बट अगर आप कॉलेज के हिसाब से चूज करना चाहते हैं तो अलग स्टोरी है, बिकॉज मेरे को तो कॉलेज के हिसाब से चूज करना पड़ेगा था बाद में सब आगे, बिकॉज मैंने बताया ना मैं साइबर सिक्योरिटी चूज कर रहा था, बट देर नॉट एनी अपॉर्चुनिटी, तो आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट हो ही जाता, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में तो हो जाता हुआ ये नहीं. तो एट लास्ट मुझे फुल स्टैक की तरफ ही जाना पड़ा. ओके, सो डिड यू ट्राइड ऑफ कैंपस, मतलब जिसमें आप ढूंढ रहे थे, डेवऑप्स वगैरह, साइबर सिक्योरिटी में जिसमें आपने बोला आपने ट्राई किया था? हाँ मैं किया था कुछ कुछ कंपनी में, उनमें रिजेक्ट भी आते हैं, दे मेरे उसमें ज्यादा था भी नहीं ना, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं थी उसमें तो रेज्यूमे में पहले, ओके. उसके बाद मैंने उसको पाथ पे जोड़ दिया था, मतलब आई वाज रियली कंफ्यूज कि कौन से डोमेन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज सारे लोगों की प्लेसमेंट जो मैं जब गया था कॉलेज से तो बहुत सारे लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी थी, अभी बहुत सारे कॉलेज लोग हैं जो कॉलेज में है इनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, टाइम बहुत खराब है अभी तो. हाँ, रिसेशन, करेक्ट. ओके, तो यही है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप आपको पता है, इफ यू नो अ लॉट अबाउट दैट डोमेन एंड इफ यू बिलीव कि आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, तो आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप करें उसे, बट अगर कॉलेज के हिसाब से अगर आपको देखना है तो फिर कॉलेज डिपेंडेंट है वो, तो फिर कॉलेज में कौन सी कंपनी आती है. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम संस्कार. आई एम लर्निंग फुल स्टैक यूजिंग मॉन. इज इट गुड टू चूज इन 2024? मैं मना कर दूंगा तो नहीं पढ़ोगे क्या? इट्स फाइन. अच्छा मतलब मास्टर मतलब एक्सपर्ट्स तो हर डोमेन के रिक्वायर्ड है हर इंडस्ट्री में, तो जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंसी रखो, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते रहो. नहीं, अच्छा है मन स्टार्ट, तो अच्छा है मन स्टार्ट, तो एवरग्रीन है.
So there's one more question from Asghar. By the way, how AI affect you? Okay, this is a very good question. Actually, it's a very trending question. अगर मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलूँ कि एआई मुझे कैसे अफेक्ट करा है, तो बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क से जो डेटा मतलब क्या बोलते हैं क्लीनिंग वगैरह थी वो बहुत आसान बना दी है, टाइम बचता है बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयर्स बोलते रहते हैं यूज मत करो बट करना पड़ता है भाई। So you think AI is a threat who can replace software engineering का job या फिर it's helpful, it can enhance and advance your work life as a software dev? डेविन एआई का पता नहीं, बाकी तो हेल्प ही कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। डेविन एआई एक अभी आ रहा है ना वो, What kind of AI tools you prefer? Like normally, not for coding, normally, normally. बहुत सारे हैं। एक नॉर्मली जो चैट जीपीटी है उससे तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब अगर आप का बहुत सारा काम यूज करते हो तो पता चलेगा। वो खाली उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बेटर है वो मॉडल, उसके अलावा अगर आप वो कोड वगैरह मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन से डेटा सेट पर ट्रेन हो रखे हैं। तो गिटहब को पायलट जो एआई है वो पूरे गिटहब के कोड बेस पर ट्रेन हो रखा है, तो उसके जो सजेशन होते हैं वो मोस्टली एक्यूरेट होते हैं और गिटहब के कोड बेस पे वो होते हैं ट्रेन, तो वो अच्छा है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जो नया आया है को पायलट वो बहुत अच्छा है GPT-4 इंजन पे। ओके, व्हाट अबाउट जेमिनी? फ्रंट एंड अच्छा है उसका, बाकी बाकी चैट जीपीटी ऐसा ही है, थोड़ा सा बेटर क्या, थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी बहुत खराब है, मतलब बेकार, उसके बेटर टूल्स हैं बहुत सारे। सो मेनी एआई टूल्स आते हैं, राइट? बेस्ट तो कोपायलट और गिटहब कोपायलट है। फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स स्पेसिफिकली फॉर लॉजिक रिलेटेड टास्क, फॉर कैलकुलेशंस। लॉजिक. बाकी अगर मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी उसके लिए अच्छा है, इंग्लिश के लिए, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के या लिए, बाकी सब। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अनुराग. Advice on things one should take care of while applying for off campus to increase the selection chances. Can you answer? Okay. अनुराग का तो जानते हैं शायद, मुझे सेशन हुआ था एक आध बारी बात हुई है। थिंग्स वन शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल अप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस, क्योंकि पहले तो रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। जो करेक्ट. मैं तारीफ करता हूँ आपकी उसकी प्रोडक्ट की, जो रिज्यूमे बिल्डर है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो, थोड़े 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 से ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है बस, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी मैंने उसी से बनाया था रिज्यूमे, और मतलब जो उसका जो मॉडर्न वाला था या जो जो लास्ट टू थे उसके रिज्यूमे दोनों अच्छे हैं। तो पहले तो प्लेन प्लेन एंड सिंपल इंफॉर्मेटिव अच्छा होना चाहिए, और वही क्या तो बोलते हैं आपका एक जैसे प्रोजेक्ट है, इट शुड बी बैक्ड बाय योर स्किल्स, योर सर्टिफिकेट्स, मतलब वेर एवर पॉसिबल। और बाकी एक्सपीरियंस, जैसे मेरे पास तो पहले एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने तो ट्रेनिंग लगा रखी थी, बट मतलब कुछ झूठ लिखने की जरूरत नहीं है रिज्यूमे में, और बस वो बहुत अच्छी टेम्पलेट है रेज्यूमे सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए। उसके बाद तो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो, या ऑनलाइन असेसमेंट निकाल पाते हो नहीं निकाल स्मार्टर. पाते हो। ओके, सो आई गेस अनुराग को आंसर मिला होगा, राइट? तो या दैट उनको तो आंसर पता है वाज पहले से यार। जस्ट वांटेड टू योर ओपिनियन, वांटेड टू नो योर ओपिनियन. बाकी रेफरल्स भी ठीक है, मतलब मेरे साथ वाले हैं जिन्होंने बहुत सारे रेफरल्स लिए थे, बट किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, बट है उससे भी बढ़ते हैं थोड़े चांसेस। ओके, सो एनी अदर थिंग यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? कुछ ऐसी चीज जो यू वांटेड टू डू इन द लाइक जब आपने प्रिपरेशन किया एंड जो कि इम्प्रूव हो सकता है व्हाइल जो जूनियर्स लाइक जो स्टूडेंट कम्युनिटी अभी है उनके लिए, एनी अदर थिंग यू वांट टू टेल देम, सजेस्ट देम? पढ़ाई करो यार। अरे वो बस डीएसए है, कंप्यूटर नेटवर्क का जो कोर सब्जेक्ट है, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और डीएसए, सो जाता है। इसका तो मैंने वो कोर्स लिया था, शायद कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ,
बट जीएफजी का एक कोर्स जो सेल्फ पेस होता है उसमें नीचे ऑप्शन नीचे वो होते हैं समरी, और जीएफजी के आर्टिकल्स बहुत सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की भी में, सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। तो मतलब टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चन भी अगर देख लोगे तो बहुत आइडिया लग जाता है। तो समझ नहीं आएगा पहले तो, क्योंकि उसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, बट लिंक्स के थ्रू मतलब एक आर्टिकल से दूसरे लिंक पे जाओ कर लो तो ऐसे करके समझ में आ जाता है। बाकी क्या बोलूँ यार, नहीं, जो यू वांटेड टू टेल दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, कि कुछ ऐसी चीज जो आपको ऐसा लगा कि आपको करना चाहिए लाइक ड्यूरिंग योर कोडिंग वाला टाइम, या फिर ड्यूरिंग थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर हाँ इंटरव्यूज। एक चीज ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सोल्यूशन देखने का बहुत मन करता है, बट अगर देख लिया ना तो लॉजिक बिल्ड नहीं होगा, फर्स्ट हैंड दैट्स वेरी एक्सपीरियंस है। ग्रेट। हाँ तो लॉजिक बिल्ड नहीं होगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं बिल्ड होगा, नहीं आ रहा है 2 दिन लगा दो उस क्वेश्चन पे, बट जब आएगा तो बहुत ज्यादा ब्रेन डेवलप होगा एक क्वेश्चन से, कुछ बाद धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा चीजें आने लगेगी, सब समझ में आ जाएगा। देर इज सेटिस्फेक्शन फैक्टर कि ओके यू इतना टाइम लगा लेकिन सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है कि लाइक ओके मैंने खुद से किया और आंसर आई गॉट द आंसर आई गॉट द लॉजिक राइट। हाँ वही रेफरेंस लो लेकिन पूरा एग्जैक्ट सोल्यूशन मत दे, और फिर उसके बाद जी जब अपना कर लोगे तो उसके बाद में ऑप्टिमल सोल्यूशन भी दिखेगा, तो डिसअपॉइंट मत होना, बिकॉज तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली ब्रूट फोर्स ही होगा, बट एटलीस्ट यू कीप ट्राई। ऑन डूइंग दैट्स व्हाट यू वांट टू टेल। ओके सो एक्चुअली वी गॉट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम संस्कार। हाउ इज योर हॉस्टल लाइफ कॉलेज टाइम पे? आप हॉस्टल भाई मैं में थे? हॉस्टल में रहा ही नहीं हूँ, मैं 2 महीने बाद में रहा था, बस मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं बाहर आ गया था। ओके एज अ हाँ डे स्कॉलर। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन मतलब, हाँ डे स्कॉलर में बन गया था ना बाद में, दो मतलब जब कोविड टाइम पे अपना कॉलेज खुला था तो फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में खुला था, 2 महीने के लिए खुला था बस। तो उस समय हम कॉलेज गए थे हॉस्टल, उस समय हॉस्टल ही था, तो उस समय ऑक्यूपेंसी हाफ कर रखी थी, मतलब 4 सीटर में 2 सीट, दो लोग रहेंगे, 2 सीटर में एक रहेगा, मेरा 2 सीटर रूम था, तो उसमें मैं अकेला था। तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे वहाँ पे अपने कॉलेज में, मतलब गार्ड्स वगैरह डिसरेस्पेक्टफुल थे गार्ड, उसके उन गार्ड वॉज द ओनली रीजन मैं बाहर आ गया, उसके अलावा कोई बात ओके नहीं। बाकी दोस्तों के साथ मजा तो आता ही है। गुड। ओके सो आई गेस ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर एंड थैंक यू सो मच पार्थ। आज वीकेंड था एंड टाइम निकालने के लिए कुछ अपनी तरफ से चीजें शेयर करने के लिए जिससे सबको हेल्पफुल होगा स्पेशली द स्टूडेंट कम्युनिटी राइट। सो थैंक यू सो मच पार्थ फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन राइट एंड होप टू कंडक्ट मोर सेशंस इन द फ्यूचर राइट। थैंक यू सो मच पार्थ। वेलकम, ओके बाय। थैंक तो या दिस वाज द सेशन बेस्ड ऑन पार्स जर्नी जो अभी जॉब स्पॉट में प्लेस है एज अ एसडी इंटर्न राइट। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग Q&A सीरीज विद एलुमनीज। सो या इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस जो आप यहाँ ड्रॉप नहीं कर पाए हैं प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इन आर कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड ऑल्सो प्लीज ज्वाइन प्लूटॉन हमारा सोशल मीडिया राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट वीकेंड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।